अब इनकी हिम्मत देखो भाई, आप गौरीकुंड से कितनी देर में लेकर आ जाते हो वैसे, अगर एक जने को लेकर आते हो तो? भैया ऐसे ही 6 घंटे लगते हैं। 6 घंटे में ले आते हो? भाई साहब हिम्मत है, हम खाली 9 घंटे में आके लगे। और भाई तो भाई आज जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है ये केदारनाथ में चलने वाले हमारे कुछ भाई जो कि अपने ऊपर एक बंदे का वजन लेकर चलते हैं पूरा पूरा। बंदे का वजन तो छोड़ो यार, बंदे पे अगर 2 बैग हैं या 1 बैग है उस तक का ये वजन अपने साथ लेकर चलते हैं। तो यार आज इनकी स्टोरी, इनकी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करे बिना मत जाइएगा। पूरी बात बताता हूँ कैसे कैसे ये सारी चीज़ें करते हैं, क्या प्राइस लेते हैं, सारी बात करते हैं एक कंडी वाले भैया से जिन्होंने मुझे सारी जानकारी दी। चलिए सीधा सीधा उनसे ही आज बात करते हैं। पैदल यात्रा करो भाई, अगर आप नहीं चल सकते तो एक अलग बात है, किसी चीज़ से भी चले जाओ, लेकिन अगर आप चल सकते हो हट्टे कट्टे हो तो जाओ भाई पैदल। कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है भाई। ये देखो आपने, मैंने वैसे भी दिखाया था आपको, देखो इससे बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग जाते हैं। पिट्ठू है ये, पिट्ठू वाली जिस पिट्ठू टोकरी वाला ना, कंडी बोलते हैं। देखो ये भैया लेकर आए हैं अभी नीचे, यहाँ से लेकर आए हो ना केदार वैली से? केदार वैली से और भैरव बाबा तक भाई सीढ़ी चढ़ाई है, और एक मैम को लेकर आए हैं शायद, तो उन्हें लेकर आए इसमें बैठा कर। अब इनकी हिम्मत देखो भाई, आप गौरीकुंड से कितनी देर में लेकर आ जाते हो वैसे, अगर एक जने को लेकर आते हो तो? भैया 6 घंटे लगते हैं। 6 घंटे में ले आते हो? भाई साहब हिम्मत है, हम खाली 9 घंटे में आके लगे और भाई 6 घंटे में लेकर आते हैं। एक दिन में एक ही होता है? अच्छा ले जाते हो और फिर उतार भी देते हो? अच्छा एक साइड से ही आ पाते हो या जा पाते हो? एक ही हो पाता है हाँ, क्योंकि दो तो भारी पड़ जाएंगे बहुत, है ना? तो भाई एक चक्कर लगाते हैं दिन में। वैसे कितने रुपए गौरीकुंड से लिए जाते हैं अगर लेकर आते हैं तो? 5,000-6,000 वेट के हिसाब से भी होता है ना? 10,000-12,000। अच्छा 10,000-12,000 भी होता है वजन के हिसाब से? तो भाई वजन के हिसाब से होता है। स्टार्टिंग वैसे कितने से, अगर नॉर्मल मान लो जैसे मैं हूँ वेट कम है तो कितना मानो? 5,000। तो भाई स्टार्टिंग 5,000 से होती है अगर आप नीचे से आना चाहते हो इसमें। वैसे इसमें बैठकर आने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? देखो खच्चर पे तो होती है ना, खच्चर देखो रपट जाए या कुछ भी हो जाए, आप अपने ऊपर एक अपने ही अपने जैसे बंदे को ही लाद के लेकर आते हो, पूरी मेहनत रहती है आपकी उसमें। तो भाई आप कर कैसे लेते हो? थोड़ी बात तो यही है कि देखो हर किसी के बस की ये चीज़ नहीं है, जितने आप लोग ये सब चीज़ करते हो बहुत ही मेहनत है इस चीज़ में, क्योंकि बहुत ही यार एक बंदे का वजन लेकर और इस साइड पर चढ़ना, प्लस उसका सामान भी आपके पास ही होता है, सामान भी होता है यार। ये बैग भी है था, आप देखो ये बैग था और प्लस वो भी थी और प्लस भैया उसे लेकर यहाँ तक आए, अब तो मानो यार क्या कैसे होता है। चलो चलो थैंक यू भैया, हर हर महादेव। ये सब महादेव की कृपा है। तो भाई ये सारी की सारी महादेव की कृपा है और भाइयों को इतनी सारी महादेव की कृपा से ही ये सारे काम हो पाते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, आप जो बार्गिंग करते हो इनको कि इतने पैसे करते हो ना बार्गिंग, तो भाई कुछ नहीं जाता है भाई, आपको करनी है ना घोड़ों वालों से कर लो बस, है ना? इनसे मत, पर इनसे मत करो यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, इंसान के ऊपर इंसान ही बैठ के आ रहा है ना, उसमें बहुत मेहनत जाती है। तो इनसे बार्गिंग मत करो क्योंकि कोई ज़्यादा नहीं यार, जब तुम बैठ कर आ रहे हो तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं है, बैठ कर ही आना है। उनको उनके सोचने वाला सोचता है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, आप भी हमारे जैसे इंसान हो यार। खच्चरों की हालत यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैंने देखो रास्ते में भी देखा ना, तो हमें ही चलने की जगह है उसमें, और फिर आप लोग भी चलते हो तो आपको भी दिक्कत ही होती है। तो भाई ये हालात है यहाँ पे, चलो मिलते हैं आगे।